हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 43 करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस जानते हैं। सबसे पहले तो लाइक फ्रैक्शंस सिंपली जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 3/4 को माइनस करना है 2/4 से। तो तो डिनोमिनेटर में सीधा 4 आ जाएगा और 3 - 2 1, तो 1/4 हो गया। अब सब्ट्रैक्शन होता है अनलाइक फ्रैक्शन का, तो ये कैसे है? तो टू सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शन को वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड देन सिंपली सब्ट्रैक्ट करना होता है न्यूमरेटर को, डिफरेंस लिखना होता है ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 2 होल 2/3 को करना है 5 होल 1/4 से। तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस कर देते हैं। तो 5 4 20 + 1 21/4 और इधर 8/3, तो 21/4 - 8/3। तो इसका भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना होगा, तो एलसीएम 12 आ जाता है। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 12 चाहिए, इसके लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63/12 - 32/12, आंसर आएगा 31/12। तो फाइंड करना है डिफरेंस, पहले का 3/4 - 1/4, तो इसका क्या आ जाएगा, सिंपली 2/4 आ जाएगा। अब अगला है 7/8 - 3/4, तो 7/8 को किससे करना है, माइनस 3/4 से। तो अब एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो डिनोमिनेटर 8 आ जाएगा। तो 7/8 को किससे करेंगे, इसको तो 1 ही से कर देंगे क्योंकि इसका सेम है। अब इसको करना है तो इसको करेंगे 2 से दोनों को, तो कितना आ जाएगा इसका, 6/8 आ जाएगा। तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 1/8 आएगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब अगला करते हैं, तो अगला जो है आपका वो है आप लोगों का कि 1 - 4/5, तो इसके यहाँ लगा देंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा, इसका तो 5 ही आएगा -4, तो आप लोगों का आंसर जो है वो आएगा 1/5। अब अगला है 8 होल 2/3 - 2/3, तो डिनोमिनेटर सेम है, बस इसे कन्वर्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 = 24 + 6, तो 26/3 - 2/3, तो आप लोगों का आंसर आएगा 24/3। अब अगला है फाइंड द मिसिंग नंबर, 4/5 को किससे माइनस करें जो 3/5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 4/5 में से माइनस करेंगे 3/5 को, तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। तो 4/5 - 1/5 कितना होता है, 3/5। अब 1 को किससे करें जो 1/2 आ जाए, तो माइनस करेंगे, तो फिर से माइनस करें आप लोग 1/1 को किससे, 1/2 से। तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 - 1 कितना आएगा, यहाँ पे जो है ये आपका आएगा 1/2। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 4/5 + 1/5 कितना आएगा, 5/5, यानी 1 में से अगर 1/5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा 4/5 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 8/21 आएगा। अब थर्ड है जो आपका स्कूल है 9/10 किलोमीटर फार है आपके हाउस से। अब आपने वॉक किया सम डिस्टेंस एंड देन टुक करी एक बस आधा किलोमीटर के लिए टू रीच द स्कूल। तो हाफ और आपने कितना चला, तो ये आपका इस तरह से होगा 9/10 - 1/2। तो इस तरह से एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/5 किलोमीटर। अब अंजलि की आंट जो है उसे 5/6 बास्केट ऑफ ऑरेंजेस देती हैं, तो ऑरेंजेस के 6 पार्ट में से उसे 5 पार्ट देती हैं। अब क्या फ्रैक्शंस उसके पास रह जाएगी, तो जब आप इस तरह से निकालेंगे तो आपका रह जाएगा 2/7 बच्चों। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।